काली बहू की गोरी सौतन का मेहंदी ब्लाउज। काजल बहू, ओ काजल बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? काजल बहू, मैंने रोहित के लिए उसकी मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है, जा जाकर उसे देकर आ। लेकिन माँ जी, आप तो जानती हैं ना, वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अगर उन्हें ये हलवा मैं अपने हाथों से दूंगी तो वो ये नहीं खाएंगे। बहू, मैं जानती हूँ तेरा और रोहित का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम दोनों का रिश्ता जरूर ठीक होगा। तू ये हलवा जाकर उसे दे, मैं उसे जानती हूँ, जब अपना मनपसंद हलवा देखेगा तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है माँ जी, मैं रोहित जी को ये हलवा देने जाती हूँ। रोहित जी, ये लीजिए, माँ जी ने आपका मनपसंद गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया है, इसे खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम्हारी ये काली और मनहूस शक्ल मुझे ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने नहीं दिया। तुमसे हजार बार बोला है कि सुबह सुबह मुझे अपनी ये मनहूस काली शक्ल मत दिखाया करो, न जाने मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। मैं तो माँ जी के कहने पर आपके लिए हलवा लेकर आई थी, मुझे पता था आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे। मेरा कसूर क्या है जो आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो? मुझे मेरे काले रंग की वजह से ताने देते हो? क्या काला होना कोई पाप है? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? एक तो इतनी गरीब, ऊपर से न शकल अच्छी न सूरत, रंग भी जले हुए काले कोयले जैसा है। न जाने मेरे माँ ने तुझमें ऐसा है क्या देखकर मेरी शादी तुझसे कराती। मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी तलाक देकर इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दूं, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुझे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे काजल नीचे गिर जाती और रोने लगती है। लेकिन रोहित के दिल में जरा भी काजल के लिए तरस नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। काजल के रोने की आवाज सुनकर काजल की सास काजल के पास आती है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? ये हलवा नीचे कैसे गिर गया? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इनके कमरे में मत भेजिए। आपने क्यों मुझे अपने घर की बहू बनाया? क्यों आपने इनकी जिंदगी बर्बाद की? ये मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, सिर्फ आपकी वजह से ये मुझे तलाक नहीं दे रहे। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं इनके सामने खड़ी हूँ। बेटा, मैंने तेरे गुण और संस्कार देखकर तेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। अगर मुझे पता होता मेरा बेटा तेरे साथ ये सब करेगा तो मैं कभी भी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो जाए। वो तो कभी नहीं होगा, मैं जानती हूँ। इतना कहकर काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। काजल एक गरीब घर से होती और दिखने में भी काली होती है, जिससे रोहित काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ अपनी माँ के कहने पर रोहित ने काजल से शादी करने के लिए हाँ बोला था। रोहित हमेशा काजल को उसके काले रंग के लिए ताने दिया करता था और उसे मारा करता था, लेकिन काजल हमेशा इसे अपनी किस्मत समझकर चुप हो जाती थी। रोहित जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में एक पायल नाम की लड़की थी जो कि वहां काम करती थी। पायल दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से रोहित पायल को पसंद करता है और उसे प्रपोज करने के लिए जाता है। पायल, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी को पूरा करूंगा। सच में रोहित, तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? हाँ पायल, तो मैं तुम्हारी हाँ समझूं या? बस रुक जाओ, अब तुम्हें आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी कह नहीं पाई। रियली पायल, आई लव यू सो मच। जिसके बाद कुछ ही दिनों में रोहित पायल से शादी कर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पायल और रोहित की शादी के जोड़े में देखकर कमला और काजल समझ जाती हैं कि दोनों ने शादी कर ली है। नालायक बेशरम, तूने दूसरी शादी कर ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? निकल जा मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो, और इसे भी ले जा अपने साथ जिसे तू शादी करके लाया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रोहित जी आपके इकलौते बेटे हैं और आपके सहारे अगर आप उन्हें घर से निकाल देंगी तो आपका सहारा कौन बनेगा? ये तो मेरी किस्मत में था कि मुझ जैसी गरीब काली अभागन को कोई अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर सकता है। रोहित, तुम शादीशुदा हो और तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, माँ जी ने इनकी शादी मुझसे जबरदस्ती करवा दी थी। अब आप ही देखिए, इतने हैंडसम पति की पत्नी आप जैसी होनी चाहिए ना कि मुझ जैसी काली, जिसकी ना शक्ल है ना सूरत। इन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है? ये तो आज तक मेरे साथ एक कमरे में भी नहीं रहे। आप बहुत नसीब वाली हो जो आपको इनके जैसे पति मिले हैं। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है।
पायल को काजल के साथ जो भी हुआ उसका बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि अब रोहित उसका पति है और अपने पति को नहीं छोड़ सकती। पायल ने फैशन शो में पार्टिसिपेट लिया होता है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस समझ नहीं आ रही होती है कि वो क्या पहने। इसलिए पायल अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अरे पायल, ये तुमने इतने सारे कपड़े क्यों फैला रखे हैं? और तुम काफी परेशान भी दिख रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, फैशन शो शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे रह गए और मुझे कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं मिल रही। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कोई ड्रेस ला सकूं। एक काम करो, तुम अपनी ये ड्रेस पहनो। लेकिन ये तो पूरी ऑफ शोल्डर है, बैकलेस भी है, मैं इतने भी ज्यादा मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ। तुम एक बार ड्रेस पहनो तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। काजल के कहने पर पायल वो ड्रेस पहन लेती है, जिसके बाद काजल अपने रूम से एक मेहंदी का कोन लेकर आती है और पायल की शोल्डर और बैक पर बहुत प्यारा सा मेहंदी का डिजाइन बनाती है। वाओ काजल, तुमने तो इतनी अच्छी मेहंदी कैसे लगाई? तुम्हारा ड्रेस और मेहंदी का ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी मेहंदी कभी नहीं देखी। जिसके बाद पायल अपने फैशन शो में जाती है। पायल की मेहंदी वाली ड्रेस देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबको मेहंदी और ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद पायल वो फैशन शो जीत जाती है और एक बड़ी सी ट्रॉफी लेकर काजल के पास आती है। देखो काजल, मैं फैशन शो जीत गई, सबको ड्रेस और मेहंदी का ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद आया। आज मैं तुम्हारी वजह से ये कॉम्पिटिशन जीत पाई हूँ, थैंक यू सो मच। काजल, सबको तुम्हारा ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो सब भी चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ मेहंदी और ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन करो। क्या सच में पायल? हाँ सच में काजल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब देखना कैसे तुम्हारी किस्मत जल्द से जल्द बदलती और तुम इस इंडस्ट्री में कितनी फेमस हो जाओगी। पायल की बात सच निकलती है, काजल का मेहंदी और ड्रेस का ये कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद आता है और कुछ ही महीनों में काजल पूरी फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, जिस वजह से काजल के पास अब खुद का बंगला, गाड़ी और बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर रोहित को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो काजल से माफी मांगता है। काजल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग की वजह से ताने दिए और न जाने तुमसे क्या क्या कहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतना सब कुछ कर सकती हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। अपने पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर काजल रोहित को माफ कर देती है, जिसके बाद अब काजल, पायल और रोहित खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। सुबह के 11 बज रहे होते हैं और जिया गहरी नींद में सो रही होती है। तभी जिया की माँ मीनल उसे आवाज लगाती है। जिया, अब उठ भी जा, 11 बज चुके हैं। लो उठ गई हूँ, अब खुश? अरे आप मेरी माँ हो या दुश्मन, कितना सॉलिड वाला सपना देख रही थी मैं, मस्त मौसम की बारिश में भीगते हुए, मगर ऐन मौके पर आप अलार्म की तरह बजना शुरू हो गई। तभी अचानक जोर जोर से बिजली चमकने के साथ बादल गरजने लगता है और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है और जिया खुशी से दौड़ते हुए छत की तरफ भागती है। अरे जिया, इतनी तेज बारिश में टेरेस पर क्यों जा रही है? रुक जा वरना भीग जाएगी। भीगना ही तो है माँ, आपको पता है ना मुझे मौसम की पहली बारिश कितना ज्यादा पसंद है। मैं बारिश में नहाने जा रही हूँ, तब तक आप मेरे लिए पनीर के पकौड़े बनाकर रखना। फिर जिया घंटों तक बारिश में भीगती और नाचती गाती है। ये मौसम की बारिश है, बारिश का पानी है, पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ला 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 ला, हे 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 हे। सच में पहली बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। जिया अब नीचे आ जा वरना बारिश में भीगकर बीमार हो जाएगी। बस थोड़ी देर और माँ। काफी देर बाद जिया बारिश में भीगी हुई नीचे आती है, मगर उसके गीले पैरों से पूरा घर गंदा हो जाता है। Oh no! Shit, 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 shit! मुझे बारिश में स्लीपर पहनकर जाना चाहिए था, मैंने पूरा घर गंदा कर दिया। अरे जिया तू ठीक तो है? कहीं बारिश में बिजली का झटका तो नहीं लग गया? ऐसे बड़बड़ा क्यों रही है? अरे जिया ये क्या किया तूने? पूरे घर में गंदगी मचा दी। ओहो मेरी प्यारी माँ, तुमने वो एड ब्रेक नहीं देखा क्या? अरे कौन सा? धाग अच्छे हैं वाला? ये कहकर जिया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसे छींक आ जाती है। अच्छी,
अच्छी। देखा, लग गई ना सर्दी। चल जल्दी से यहाँ आकर बैठ, मैं फटाफट से तेरे लिए अदरक इलायची वाली कड़क चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। कुछ ही देर बाद मीनल अपनी बेटी के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है। ये ले गर्मा गर्म चाय पकौड़े, और ला दे मैं तेरे बाल पोंछ देती हूँ। मीनल बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के गीले बालों को पोंछने लगती है। वाह मम्मी, क्या कमाल की पकौड़े बनाए तुमने, खाकर मजा आ गया। अरे अब क्या, सारी जिंदगी मैं ही तुझे पकौड़े बनाकर खिलाती रहूंगी। तू भी घर के काम काज सीख ले, कल को ससुराल जाएगी तो क्या बनाएगी वहाँ। वैसे ससुराल को लेकर हर लड़की के मन में बहुत से सपने होते हैं, तूने कुछ सोचा है? माँ, अपने ससुराल को लेकर मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, जिसमें सबसे खास है कि ससुराल की पहली बारिश में नहाना, फिर मेरी सासू माँ मेरे लिए अपने हाथों से बिल्कुल मेरी माँ की तरह पकौड़े बनाकर खिलाए, और भी बहुत कुछ। जिया, अपने ससुराल को लेकर इतने सपने मत देख। जानती है, एक बेटी अपने मायके के घर आंगन में आजाद पंछी की तरह होती है, जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। मगर जब वो किसी के घर बहू बनकर ससुराल जाती है, तो वहाँ उसे नए रिश्ते के साथ कई सारी जिम्मेदारियां मिलती हैं। माँ, वो पहले की बात थी, आज का जमाना बहुत बदल चुका है, आजकल की सास इतनी टिपिकल नहीं होती है। ये बोलकर जिया उस बात को टाल देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब घर में जिया की शादी की बातें चलने लगती हैं, और राजवीर के साथ जिया की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से जिया और राजवीर की शादी हो जाती है, और जिया बहू बनकर ससुराल आ जाती है। वेलकम टू आवर फैमिली जिया भाभी। थैंक यू सो मच पायल। नहीं बहू, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि अपनी ननद को उसके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि ननद जी कहकर बुलाते हैं। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। चलो अब इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश के वक्त ही अपनी सास गायत्री का गुस्सा देकर बेचारी जिया सहम सी जाती है। मगर एक बेटी के लिए मायके से बहू बनने तक का सफर कहाँ इतना आसान होता है। शादी के पहले दिन से ही जिया अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर एक दिन जब जिया रसोई में रोटी बना रही होती है, तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है, जिसे देखकर जिया का चेहरा खुशी से खिल उठता है। लगता है बारिश होने वाली है, शादी के बाद ये ससुराल में मेरी पहली बारिश है, आज मैं जी भर कर नहाऊंगी। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है और जिया छत की ओर भागती है। तभी उसकी सास गायत्री उसे रोकते हुए कहती हैं, बहू वहाँ कहाँ जा रही हो, देख नहीं रही बाहर कितनी बारिश हो रही है? एक तो इस बारिश के मौसम में पूरे घर में कीचड़ और गंदगी मच जाती है। माँ जी वो मैं, इससे पहले कि बेचारी बहू अपनी बात पूरी कर पाती, बारिश में गीली पायल कीचड़ में सने सैंडल को पहनकर घर के अंदर घुस आती है। पायल, तू इतनी ज्यादा बारिश में भीग कैसे गई? वो माँ, बहुत जोरों की बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है, और आपको तो पता है ना कि मुझे बारिश कितनी ज्यादा पसंद है कि मैं बिना भीगे रह नहीं पाती। अच्छी, देखा लग गई ना सर्दी बारिश में भीगने से। अरे बहू, अब तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा जाकर मेरी बच्ची के लिए अदरक वाली चाय बना कर ला, और फिर ये घर साफ कर देना। जी मम्मी जी। जिया उदास मन में किचन में चाय बनाने लगती है, मगर अभी भी उसका सारा ध्यान बाहर हो रही बारिश की तरफ ही था, जिसमें वह जी भर कर भीगना चाहती थी। तभी अचानक से उसे अपने मायके की बारिश की याद आ जाती है। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, बहू बनने के बाद ससुराल में जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। एक वो वक्त था जब मैं अपने मायके में मोर के जैसे खुलकर बारिश में नाचती थी, मगर आज मैं इस बारिश की बूंदों को छूने के लिए भी तरस गई हूँ, क्योंकि ये मेरा मायका नहीं ससुराल है, और अब मैं इस घर की बहू हूँ। जिया जल्दी से चाय बनाकर अपनी ननद को दे देती है और घर की सफाई में लग जाती है। तभी उसका पति राजवीर घर चला आता है। माँ, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, अरे भाई कुछ पकौड़े शकौड़े बना लो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बहू को बोल देती हूँ, वो बना देगी पकौड़े। अरे भाग्यवान, मेरे लिए तो समोसे बनवाना और थोड़ी मिर्च के पकौड़े भी। सुन लिया ना बहू, अब जा जाकर जल्दी से सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना ला। जी मम्मी जी। बेचारी बहू ससुराल वालों की फरमाइशों के लिए किचन में आकर पकौड़े बनाने लगती है, मगर अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। मगर जैसे ही जिया एक काम खत्म करती तो उसकी सास उसे कोई ना कोई दूसरा काम थमा देती, और इस तरह मौसम की पहली बारिश बादलों में सिमट गई।
ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रोज मॉनसून के मौसम में बारिश होती, मगर जिया का मन हर बार उस बारिश को देखकर उदास हो जाता, जिसे राजवीर अब समझ गया था। और ये बात राजवीर अपनी माँ से बताता है। माँ, आपको नहीं लगता कि जब से जिया शादी करके हमारे घर में आई है, हम उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए? आपको पता है, जिया को बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, मगर वो बेचारी हर बार हमारी फरमाइश पूरी करने में उलझ जाती है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी, मैंने भी कई बार देखा है, भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं है। भाभी हमारी हर एक छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखती है, इस नाते हमें भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, आखिर वो भी तो हमारे घर का हिस्सा है। तुम दोनों ठीक कह रहे हो, मुझे बहू को समझना चाहिए था। तभी एक बार फिर से बारिश होने लगती, जिसके बाद जिया का पूरा ससुराल मिलकर उसे सरप्राइज देते हुए टेरेस पर लाते हैं। बहू, आज तेरी सास तुझसे कह रही है, उस सावन के मोर की तरह इस बारिश में भीग, जैसे तू अपने मायके में भीगती थी, ये बारिश तेरी है बहू, और हम भी तेरे हैं। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मुझे लगा था कि मुझे ससुराल की बारिश में नहाना कभी नसीब ही नहीं होगा, मगर आज मेरा सपना सच हो गया। ये बोलकर जिया खुशी से अपनी सास के गले लग जाती है और फिर अपने ससुराल वालों के साथ बारिश में खुशी से भर कर बहुत भीगती है। साथ ही गायत्री अपने हाथों से अपनी बहू के लिए बारिश के मौसम में पकौड़े बनाकर भी खिलाती है।